नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्शन परचेजर के राइट के बारे में, यानी कि ई ऑक्शन के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बैंकों के द्वारा होने वाले ऑक्शन में प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय पे मैंने बहुत ऐसे वीडियोस बनाए हैं, फिर भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक या नेशनल बैंक के किसी भी ऑक्शन को अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आई है, अगर उसे आपको ख़रीदना है, तो ऑक्शन के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको मैं बता दूँ कि बैंक ऐसे ऑक्शन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड करती हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका पैसा और आपका समय दोनों बर्बाद हो सकता है। ऐसे बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें कि ऑक्शन परचेजर ने साल दो साल से प्रॉपर्टी ऑक्शन में बिड कर ली, लेकिन आज तक उन्हें इस प्रकार से पोजीशन नहीं मिला कि वह अपने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आप भी फंसना नहीं चाहते हैं और कोई भी ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा डिटेल में देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कानून से और लोन से जुड़ी वीडियो रोज़ देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की टॉपिक करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह ये है कि क्या ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए या नहीं। तो आपको अगर कोई भी ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो सबसे पहले उस बैंक की वेबसाइट पर जा कर के, उस बैंक के ई ऑक्शन पोर्टल पर जा कर के उस प्रॉपर्टी को आपको देखना है, मुआयना करना है। दूसरा ये है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको फाइंड आउट करनी है, उसको देखना है, मौके पे जा कर के उसके ओनर से बात करना है, उसके बगल के लोगों से बात करना है कि यह प्रॉपर्टी क्यों बेची जा रही है बैंक के द्वारा, बॉरोअर ने पैसे क्यों नहीं जमा किए, बॉरोअर का हिस्ट्री क्या है। सारी डिटेल अगर आप इकट्ठा कर पाएँ तो यह आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगी जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो दूसरा प्रश्न है कि किन किन बातों का ध्यान रखें। अब यहाँ से आपका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मन में प्रश्न होता है कि प्रॉपर्टी के बारे में आपको बहुत नॉलेज नहीं है, पहली बार आप प्रॉपर्टी ऑक्शन में परचेज कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगना है, यानी कि LOD। LOD का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें आपको डीड सबसे पहले दिखेगी, प्रॉपर्टी की डीड इसमें होता है, दूसरा होता है ओनरशिप होता है, ओनरशिप यानी कि इस प्रॉपर्टी पे केवल एक आदमी का अधिकार है या दो आदमी का अधिकार है या तीन आदमी का अधिकार है, ये भी आपको देखना है। साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी पे कितने लोग माइनर हैं, इसको भी देखना है कि लोन लेते समय कोई माइनर था, आज के डेट में उसकी अगर नाम ऐड नहीं है तो वो मेजर हो गया, तो भी इसको देखना है। क्योंकि क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी ऑक्शन होने वाली होती है तो बैंक तो सिंबॉलिक पोजीशन पे प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देता है, लेकिन जो माइनर व्यक्ति होता है वो थर्ड पार्टी बन करके डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है और वो सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करके डिस्प्यूट कर देता है। और जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, प्रॉपर्टी पे स्टे हो जाता है। तो ये बात हम आपको अभी और क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया, इन बातों का ध्यान रखना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगना है, ओनरशिप देखना है, टाइटल देखना है, और उसके बाद बैंक से आपको डिटेल में ये लेना है कि इस प्रॉपर्टी पे बॉरोअर ने कोई भी लिटिगेशन हाई कोर्ट या फिर DRT
हाई कोर्ट या डीआरटी में कोई केस फाइल तो नहीं हुआ है स्टे के लिए? आपको हम बता दें कि बैंक सिंबॉलिक पोजीशन पे ही प्रॉपर्टी का ऑक्शन करती है। सिंबॉलिक पोजीशन के बाद एक और होता है सेक्शन 14 में, जो डीएम से ऑर्डर मिलता है। तो बोरो सिंबॉलिक पोजीशन पे ही हाईकोर्ट या डीआरटी में जाकर के बैंक के खिलाफ केस फाइल कर देता है और स्टे के लिए वह वहाँ पे केस लगाता है। लेकिन केस पेंडिंग होने की कंडीशन में बैंक के अगेंस्ट में कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं होता है तो बैंक प्रॉपर्टी को बेच सकता है। लेकिन पता चलता है कि आपने प्रॉपर्टी को खरीद लिया और उसके बाद सेल सर्टिफिकेट इशू हो गए, लेकिन बैंक ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक कहता है कि बोरोअर ने बैंक के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया है। तो जब तक ये मामला सही नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, डिस्चार्ज नहीं होता है, डिस्पोज नहीं होता है, तब तक हम आपको यह प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करके नहीं दे सकते हैं। तो इन इन बातों का ध्यान आपको रखना है। पहला एलओडी लेना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेना है, उसमें डीड वगैरह आपको सब मिल जाएगी, ओनरशिप है कि नहीं है, हाई कोर्ट डीआरटी से स्टे है कि नहीं। तो इन इन बातों का ध्यान आपको पहले रखना है। आपको ऑक्शन में प्रॉपर्टी को परचेस करने से पहले बैंक के मैनेजर या फिर चीफ मैनेजर से जा करके मिल करके आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन बैंक रिटर्न में दे देता है और देगा भी। तीसरा जो प्रश्न है, क्या पोजीशन के लिए आपको डीएम के पास जाना है? देखिए क्या होता है कि बैंक ने आपको सेल सर्टिफिकेट दे दिया, आपको सेल सर्टिफिकेट बैंक ने दे दिया, और आपको जब सेल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो आपको 15 दिन का समय दिया जाता है 100% पैसा जमा करने के लिए। 15 दिन का समय दिया जाता है 100% पैसा जमा करने के लिए। अब जैसे ही आप 100% पैसा जमा कर देते हैं, 100% पैसा जमा कर देते हैं, तो यहाँ पे बैंक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करती है। अगर कोई भी स्टे ऑर्डर है या फिर हाई कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है, और साथ ही साथ आपके मन में ये होता है कि बैंक पोजीशन तो ले ही नहीं पा रही है तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, तो आप बैंक से कहते हैं कि पहले पोजीशन लीजिए, तो बैंक कहती है कि हम पोजीशन नहीं लेंगे, आपको लेना पड़ेगा। तो आपके मन में ये प्रश्न होता है कि क्या हमें जाना पड़ेगा पोजीशन के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बैंक अपनी ड्यूटी आपके कंधों पर डालती है। डीएम के पास पोजीशन के लिए बैंक केस फाइल करता है, आप केस फाइल नहीं करेंगे। आप पूछिए क्यों नहीं केस फाइल करेंगे? क्योंकि आपके नाम पे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, बैंक आपको प्रॉपर्टी दी नहीं है, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं। सेल सर्टिफिकेट के आधार पे आप डीएम के पास केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो डीएम के पास आपको नहीं जाना है, बैंक को जाना है। ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑक्शन में परचेस करते हैं। तो डीएम के पास आपको नहीं जाना है, आपको बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेने हैं, ओनरशिप लेना है, उससे लेना है, टाइटल लेना है, डीआरटी में या हाई कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है नहीं, तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और इसमें आपके पास एक और प्रश्न होता है कि मान लीजिए कि आपने ऑक्शन में परचेस कर ली कोई प्रॉपर्टी, आपने 100% पैसा दे दिया, अब उसके बाद आपको लगता है कि बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे तो ना आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है और ना ही पोजीशन मिल रहा है, तो आप सोचते हैं कि बैंक के ऊपर धोखाधड़ी का केस कैसे करें? तो देखिए यहाँ पे आप बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा अपने सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। आप डीआरटी में केस अभी नहीं फाइल कर सकते हैं क्योंकि आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है किसी भी ऑक्शन में। ई ऑक्शन में आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, 100% पैसा दे दिया है, सेल सर्टिफिकेट आपको इशू हो गए हैं, सेल सर्टिफिकेट इशू हो गया है, तो आप हमेशा रजिस्ट्रेशन पे ध्यान दें। आप रजिस्ट्रेशन पे ध्यान दें, आपकी मांग डिमांड ये होनी चाहिए कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। देखिए अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आप प्रॉपर्टी के ओनर हो जाएंगे, उसके बाद आप बैंक के खिलाफ डीआरटी में, हाई कोर्ट में कहीं भी केस फाइल कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे जाकर के डीएम के पास भी
आप अपनी फाइल लगा करके आप पोजीशन के लिए बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे मस्ट होता है, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या 100% पैसा 15 दिन के अंदर देना चाहिए। देखिए, बैंक आपसे कहती है कि आपने बिड में 25% पैसा दे दिया, ठीक है, ये बिड में आपने 25% पैसा दे दिया, बाकी के 75% के लिए बैंक आपको 15 दिन का समय देता है, 15 डेज का समय बैंक आपको देता है। तो इस 15 डेज में आपको क्या 75% पैसा यानी 75% रेस्ट अमाउंट का जमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारी मानेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बैंक बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं। आपको बैंक के साथ एग्रीमेंट करना है कि हम एक ही कंडीशन में 75% पैसा देंगे अगर आप हमें दो चीज़ कन्फर्म करके देंगे। पहला है हमारा रजिस्ट्रेशन है, दूसरा है हमारा पोजीशन है। रजिस्ट्रेशन और पोजीशन अगर बैंक आपको रिटर्न में लिख करके देती है कि हम आपको रजिस्ट्रेशन 15 दिन के अंदर कर देंगे और पोजीशन भी कर देंगे, अगर नहीं होगा तो आप हमारे खिलाफ कोई भी केस फाइल कर सकते हैं, तभी जाकर के आपको 25% के अलावा जो 75% है उसको पे करना है, नहीं तो यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, फिर आप अपने उस 25% पैसे को नहीं निकलवा सकते हैं, क्योंकि बैंक की बहुत ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि 25% पैसे को बैंक फॉरफिट यानी कि जब्त कर लेता है। तो आपको किसी भी ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इन सारी बातों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखने हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी लाख सवा लाख के ऊपर ही होती है, इसका मतलब 10 लाख 15 लाख करोड़ों में प्रॉपर्टी हो सकती है। तो आप अपने इतनी बड़ी संपत्ति को इतनी आसानी से बैंक के साथ फ्रॉड में न फंसे, क्योंकि बैंक फ्रॉड कर देती है, फिर आपको पैसा निकलवाने के लिए बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर आपने 100% पैसा दे दिया, अगर आपका ऑक्शन कैंसिल हो गया तो बैंक 25% भी पैसा काट लेगी और 75% के लिए आपको इतना दौड़ाएगी कि आप सोचेंगे कि 75% पैसा भी हम छोड़ दें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही सावधानी से अपने किसी भी ऑक्शन में प्रॉपर्टी को परचेस करने से पहले इसको आप ध्यान में ज़रूर रखें, नहीं तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।